हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगिता। वेलकम टू आवर चैनल बोल्ड स्काई। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसको आपने देखा तो है लेकिन आप उसके फायदों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पीपली की, जिसको हम इंग्लिश में लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। पीपली या छोटी पीपल या लॉन्ग पेपर अनेक औषधियों गुणों से संपन्न होने के कारण आयुर्वेद की एक प्रमुख दवा है। बहुत से लोग इसे मसाले की सामग्री के रूप में जानते हैं किंतु इसके गुणों के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए आज लॉन्ग पेपर के फायदे के बारे में बात करते हैं। पीपली के फायदे मोटापा कम करने में। पीपली की बेनिफिट्स की बात करें तो यह मोटापा कम करने में सहायक है। पीपली का चूर्ण लगभग आधा ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ प्रतिदिन एक महीने तक सेवन करने से मोटापा समाप्त हो जाता है। छोटी पीपल के फायदे करते हैं अस्थमा को कम। छोटी पीपल को कूटकर शहद के साथ सुबह शाम खाने से आपको अस्थमा में बहुत जल्दी आराम मिलेगा और आपकी सांस फूलने की समस्या भी कम हो जाएगी। पीपली चूर्ण देता है सर दर्द में राहत। लॉन्ग पेपर या पीपली को पानी में पीसकर माथे पर लेप करने से सर दर्द ठीक हो जाता है और पानी के साथ सेवन करने से भी सर दर्द में आराम मिलता है। पीपली को शहद के साथ खाने से जुकाम में भी आपको बहुत जल्दी राहत मिलती है और पीपली चूर्ण में शहद मिलाकर प्रातः सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियमित होती है और हृदय रोगों में लाभ होता है। चलिए अब पीपली के नुकसान के बारे में बात करते हैं। पंचक्रम और रसायन प्रक्रिया के बिना पीपली को अधिक मात्रा या लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिशुओं को इसके सेवन से बचाना चाहिए क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। दूध और घी के साथ यह प्रतिदिन 250 मिलीग्राम की एक छोटी खुराक में बच्चों को लेना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसका सेवन कम करना चाहिए और गर्भावस्था में इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।